पूरी इंडस्ट्री के बच्चे हैं हम लोग, और इस इंडस्ट्री ने सिखाया है, इस इंडस्ट्री ने बताया है कि चलना कैसे चाहिए, उठना कैसे चाहिए, बैठना कैसे चाहिए। सब एक एक डायरेक्टर्स, एक एक म्यूज़िक डायरेक्टर्स, एक एक टेक्नीशियंस, हर आदमी ने कुछ न कुछ बताया है, और उन सब के प्यार और उनके सहयोग के बदौलत जो कुछ भी मैं बना पाया हूँ। अपने प्रोड्यूसर अनंजय रघुराज जी ने जो विश्वास मेरे अंदर दिखाया, और जो आदमी डायरेक्टर डायरेक्शन डिपार्टमेंट से बिल्कुल बिलोंग नहीं करता है उसके ऊपर उन्होंने ट्रस्ट किया, और हमारे कैमरामैन रफ़ीक शेख ने जो मेरी जो सोच थी उसको पर्दे पे उतारा, और संजय महानंद जी, करण पांडे जी, अवधेश मिश्रा जी, खेसारी लाल, काजल लागवानी, संजय पांडे और बहुत से आर्टिस्ट जो अपने परमहंस जी, सब ने मिल करके जो सहयोग दिया। यहाँ पे बबली बबली है ऋतु, और ऋतु बिल्कुल शुरू में ही आती है और इसका गाना चालू होता है लगा के फेरन लबली, और जो पब्लिक जो उसमें सीटियाँ मारती है, सबका सहयोग मिला। और मेरे जैसा एक नादान लड़का जो बस चलना सीख रहा है उसको आप लोगों ने उसके पैरों को मजबूती दी, और पैरों को मजबूती मिली है, और ये उम्मीद अपने आप से और ज़्यादा मुझे और अपने ऊपर ये विश्वास अब पैदा हो रहा है कि नहीं, अभी खरा उतरना पड़ेगा। ये तो होता है, बाई लक भी कोई फिल्में अच्छी बन जाती हैं। अब मेहनत और करना है और अच्छी फिल्में बनानी है, और आप लोगों ने जो प्यार दिया है, जो सहयोग दिया है, उसके लिए लव यू। हमारे कैमरा मैन रफीक भाई हैं, और मैं जी इसके बाद लोगों की मांग है, इसके बाद मैं सेहरा बांध के आऊँगा, खेसारी लाल यादव, अनंजय रघुराज और पूरी टीम को एक साथ लेकर के आ रहे हैं हम लोग, मैं सेहरा बांध के आऊँगा। करण पांडे जी, इनके अंदर जितनी क्षमता है, पोटेंशियल है, उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है, मतलब उनको दिखाया नहीं गया है। मैं तो बस इनको बताया कि भाई और कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो, और इन्होंने जो मतलब जो कुछ मैं बोला उसको 5 गुना बढ़ा करके दिया, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं इनको प्रॉपर इलस्ट्रेट कर पाऊँ। फिर भी इन्होंने जो किया वो काबिले तारीफ है, और आज लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक्स टू करण पांडे जी, एंड आई जस्ट विश ऑल द बेस्ट टू हिज फ्यूचर। मैं और कुछ भी नहीं बोलूँगा, सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि मेरे ऊपर मेरे प्रोड्यूसर अनंजय जी और मेरे डायरेक्टर जो मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास करके मुझे इतना अहम किरदार करने का मौका दिया। अभी तक मैंने लगभग 20 फिल्में कर ली हैं, लेकिन 20 फिल्मों के बाद में जो मेहंदी लगा के रखना के बाद में जो लोग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, फ्रेंड्स, मैं कलकत्ता में शूट कर रहा था, सिर्फ इतना फ़ोन और इतना मैसेज आया कि पता है कल ये फिल्म उतरेगी, दूसरी कोई फिल्म लगने वाली है, तो आज हम लोग लास्ट शो देखने के लिए आए हैं, सिर्फ ये फिल्म देखने के लिए। कि एक लालसा हो जाती है कलाकार के अंदर जब लोग बधाई करते हैं, बधाई देते हैं, तो ये हमारी भी इच्छा करती है कि भाई कौन सी फिल्म है, क्या किया है मैंने। अब हम तो हर फिल्म में अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब ऑडियंस और दोस्त जो भी फिल्म देख के आते हैं, वो हमको जब बताएंगे कि भाई आपने ये किया, ये अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू वेरी मच कि मुझे उस कैमरे में उतारने के लिए हमारे डीओपी रफीक भाई का, और मुझे इतना अहम किरदार देने के लिए रजनीश जी का, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की एकदम हॉट और डांसिंग क्वीन ग्लोरी मोहंती जी है, जो कि हमारी इस फिल्म का एक सुपरहिट गीत जो है जैसन सोच ले रही, वो उस गीत को परफॉर्म किया है। हम चाहेंगे कि दो शब्द वो खुद बोले। बंजारन बन गई थी। वाओ, मैंने गाना देखा, ट्रस्ट मी, मैं अनंजय रघुराज जी को, रजनीश जी को दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि सब लोगों ने मुझे एक टैग दिया है आइटम गर्ल का, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं इसमें खुद को नहीं पहचान पा रही हूँ। मैंने इतना प्रॉपर बंजारन वाला लुक किया है, और जो परफॉर्मेंस किया वो तो आप ही बताएंगी कैसा है, बट मैं दिल से आप लोगों की फ़ैन हो गई, चाहे गाना हो, चाहे शूट हो, चाहे मेकिंग हो, बहुत ही अच्छा है, और क्या बोलूँगी, बहुत प्यारा, थैंक यू। संजय महानंद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, एक अच्छी फिल्म का हिस्सा बनकर हर इंसान को, हर कलाकार को खुशी होती है। का भाई
मैं उन सभी दर्शकों का, इंडस्ट्री के छोटे से लेके बड़े उन सभी लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिनका प्यार हमेशा मिलता रहा है, और मैं उम्मीद करूँगा कि वो प्यार बरकरार रहेगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अपने तरफ से कभी कोई कमी ना हो। और मेहंदी लगा के रखना ऐसी फिल्म है जिस फिल्म का हिस्सा होकर हर आदमी गौरवान्वित महसूस कर रहा है, और उस कड़ी में मैं भी हूँ। यही तो ग्रेटनेस है हमारी इंडस्ट्री का, और प्यार है यही हम लोग की इंडस्ट्री का, कि एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए सब, जब लगा कि एक फिल्म अच्छी बनी है तो सब के सब लोगों ने सामने आ करके और सपोर्ट किया, और शुक्रगुजार हूँ मैं। और मैंने सबके साथ काम किया है, सबके लिए गाने बनाए हैं, सब मेरे बड़े भाई दोस्त सखा हैं, और पहली बार कुछ नया कर रहा था तो दोस्त सखा कैसे सब छूट जाते, सब ने मुझे सपोर्ट किया, सब भाइयों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मतलब ये पल जो होते हैं वो जीने के पल होते हैं, सबने फिल्म को लाइक किया है, थैंक यू वेरी मच।